इस वीडियो में हम कार्ड एसी में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने कार्ड एसी में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हमारे एसी विंड से जितना हवा आना चाहिए उतना हवा नहीं आता है। हवा का फ्लो धीरे धीरे कम जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हवा का फ्लो आखिरकार क्यों कम जाता है और इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में भी आए तो आप कैसे खुद से इसको ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स खोलते हैं। ग्लव बॉक्स के पीछे हमारा एसी फिल्टर का लोकेशन होता है। ये हमारा एसी फिल्टर का कवर है। सबसे पहले हम कवर को निकालेंगे और कवर को निकालने के बाद हमारा एसी फिल्टर सामने में आ जाता है। दोस्तों, अलग अलग गाड़ी में एसी फिल्टर का लोकेशन अलग अलग होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आपका गाड़ी में पर्टिकुलर आपका गाड़ी में आपका एसी फिल्टर का लोकेशन कहाँ है। उस तरह से आप अपने गाड़ी में एसी फिल्टर का लोकेशन पता कर सकते हैं। और जब भी आपको फील हो आपका एसी वेंट से हवा का फ्लो कम गया तो आपको एसी का फिल्टर को खोल के बाहर निकाल के आपको चेक करना है कि हमारा एसी का फिल्टर ठीक है या नहीं। ये हमारा नया फिल्टर है। इससे पहले हमारा जो फिल्टर था वो बिल्कुल गंदा हो चुका था, इसलिए हमारा हवा का फ्लो कम गया था। इसलिए मैंने इस नए फिल्टर को अपने गाड़ी में लगाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वाइट है और इसको लगाने से मेरा हवा का फ्लो बढ़ गया। तो जब भी आप ऐसा फील करें कि आपका हवा का फ्लो कम हो चुका है तो आपको इस फिल्टर को जरूर चेक करना है। और ये हमारा पुराना वाला फिल्टर है। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। इसी फिल्टर का जाम हो जाने की वजह से हमारा एसी वेंट से जो जितना हवा आना चाहिए उतना हवा नहीं आता है। तो जब भी आप ऐसा फील करते हैं कि हमारा एसी वेंट से हवा का फ्लो स्पीड कम हो चुका है तो आपको इस फिल्टर का जरूर चेक करना है। दोस्तों, ये फिल्टर हवा के अंदर जो डस्ट होता है उसको क्लीन करके फ्रेश हवा में प्रोवाइड करता है। और जब काफी दिन हो जाता है तो ये डस्ट इस फिल्टर पे जमा हो जाता है जिसकी वजह से हवा का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है और हमारा एसी वेंट से जितना हवा आना चाहिए उतना हवा हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, गाड़ी में यूज होने वाला एसी फिल्टर भी 2 टाइप्स का होता है। एक कार्बन फिल्टर होता है और एक हमारा नेट फिल्टर होता है। ये जो फिल्टर है ये हमारा है कार्बन फिल्टर। और कार्बन फिल्टर का अंदर खूबी ये है कि ये हवा के अंदर जो डस्ट होता है उसको तो फिल्टर करता ही है, उसके अलावा हमारा हवा के अंदर जो पॉल्यूशन होता है पॉल्यूशन को भी हमारा कार्बन फिल्टर कंट्रोल करता है। तो कार्बन फिल्टर जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री हवा हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इस फिल्टर का नुकसान ये है कि हर 4 से 6 महीने बाद हमें इस फिल्टर को चेंज करना पड़ता है अगर आपका गाड़ी रेगुलर चलता है तो, वरना आपका गाड़ी का एसी वेंट से जितना हवा का फोर्स होना चाहिए उतना हवा का फोर्स नहीं होता और गाड़ी को ठंडा होने में भी टाइम लग जाता है। अब बात हम कार एसी में यूज होने वाले दूसरे किस्म के एसी फिल्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा नेट एसी फिल्टर है और इसका काम हवा के अंदर जो डस्ट होता है उसको फिल्टर करके क्लीन हवा हमें प्रोवाइड करता है। इस फिल्टर का दूसरा एडवांटेज ये है कि इस फिल्टर को हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। इसी फिल्टर को आप अच्छे से क्लीन करके जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका हवा का फोर्स कम गया तो आप इसी फिल्टर को क्लीन करके आप दोबारा अपने गाड़ी में लगा सकते हैं। और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्टर सही है और बार बार कार्बन एसी फिल्टर को चेंज करने के कॉस्ट से ये फिल्टर हमें बचाता है। लेकिन इस फिल्टर का नुकसान ये है कि हवा के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स को ये फिल्टर ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता। और दूसरा नुकसान इस एसी फिल्टर का ये कि हवा के अंदर जो पॉल्यूशन होता है पॉल्यूशन को ये फिल्टर रोक नहीं पाता है। आमतौर से इस तरह के फिल्टर हमें टाटा महिंद्रा और होंडे के गाड़ी में इस तरह के फिल्टर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, दोनों एसी फिल्टर में हमें कुछ फायदा और कुछ नुकसान हमें देखने को मिलता है। इस कार्बन फिल्टर को हमें बार बार चेंज करना पड़ता है लेकिन ये हमें फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री हवा प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो नेट फिल्टर होता है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस फिल्टर को फिर से हम अपने गाड़ी में लगा देते हैं। दोस्तों, गाड़ी के अंदर फिल्टर लगाने का चेंबर होता है तो उस पर्टिकुलर चेंबर में हम अपने एसी फिल्टर को लगाते हैं। और फिल्टर को लगाने के बाद हमारा फिल्टर का बाहर एक कवर लगता है, उस कवर को लगाना पड़ता है। अगर हम इस कवर को नहीं लगाते तो हवा का फ्लो हमारा कम जाएगा क्योंकि सारा हवा इस बाकी जो खाली एरिया उससे हमारा लीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस फिल्टर को सही से बैठा लेता हूँ, उसके बाद इस कवर को लगाऊंगा। दोस्तों, इस प्लास्टिक के कवर में हमारा एक क्लिप होता है तो हमें क्लिप को अच्छा से बैठाना पड़ता है। पहले कवर को अच्छा से हमें सेट करना पड़ता है, उसके बाद इसको क्लिप को हमें सही से बैठाना पड़ता है, उसके बाद हमारा ये कवर बैठता है। तो ये हमारा एसी फिल्टर का कवर लग गया। इसके बाद हम ग्लव बॉक्स को लगाएंगे। ग्लव बॉक्स को लगाना भी बहुत इजी है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस ग्लव बॉक्स के नीचे वाला पोर्शन को डैशबोर्ड में फंसाएंगे और फंसा के हमें पुश करना पड़ता है अंदर का तरफ तो हमारा ये ग्लव बॉक्स फिट हो जाता है। उसके बाद हमें अंदर का तरफ इसे पुश करते तो ये हमारा ग्लव बॉक्स फिट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ग्लव बॉक्स को आप खोल भी सकते हैं और इसी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कार एसी में आने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम। दोस्तों, कार एसी में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ।
आप मेरे चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।